उसके दुश्मन हो जाएं सावधान, लौट रहा है सिद्धू मूसेवाला। मार्च में ही मिलने वाली है खुशखबरी, मूसेवाला के माता पिता का बड़ा खुलासा। पंजाबी गानों में फिर से लौटेगा सिद्धू, इस खबर के बाद जेल में बंद बदमाशों की उड़ी नींद। सिद्धू मूसेवाला को आप भूले नहीं होंगे। सिद्धू मूसेवाला के गाने आज भी सुने जाते हैं। अचानक 2022 में सिद्धू मूसेवाला को तो हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनों ने हटा दिया था, लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला के दुश्मनों के लिए बुरी खबर आई है। खबर ऐसी है जो भी सुन रहा हैरान हो रहा कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं, एक बार तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की वापसी होने की खबर है। कैसे होगी वापसी, अगले कुछ मिनट में हम बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला वाला के माता पिता जल्द ही अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि मूसेवाला की मौत के बाद अब उनके माता पिता ने फैसला लिया है कि वो दूसरे बच्चे को घर में लाएंगे, क्योंकि उनके पहले बच्चे के जाने के बाद से अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में अब इस वापसी की खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि एक बेटे को खोने के बाद अब सिद्धू मूसेवाला की माँ चरण कौर प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इस बात की पुष्टि परिवार की ओर से की गई है। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और 2022 में उनकी हत्या के बाद उनके मां बाप अकेले रह गए। ऐसे में दोनों ने IVF की सहायता से दोबारा पेरेंट बनने का फैसला लिया। अब इस खबर के बाद से ऐसा लग रहा है उनके माता पिता को वापस से सिद्धू मूसेवाला मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सिद्धू मूसेवाला कौन था, क्योंकि IVF से बच्चे पैदा करने की जरूरत इस उम्र में क्यों पड़ी, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है सिद्धू मूसेवाला कौन था जिसने पंजाबी गानों में धमाल मचा रखा था, लेकिन उनके दुश्मनों ने जान ले ली थी। जो दुश्मन खुशी से झूम रहे होंगे वो ये खबर सुनने के बाद जरूर हिल गए होंगे, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। सिद्धू मूसेवाला का क्रेज आज भी युवाओं में नहीं है। मूसेवाला अपने गाने खुद लिखा करते थे और बनाते थे। उन्हें सबसे धनी पंजाबी गायकों में से एक माना जाता था। उनकी हत्या के बाद भी उनके कई गाने रिलीज और हिट हुए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के गानों को देखकर ही पंजाबी गैंगस्टर्स ने साजिश रची थी कि कैसे भी रास्ते से हटाना है, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार पंजाब में ही सिद्धू मूसेवाला की सांसें छीन ली गई थी। तारीख थी 29 मई 2022 जब सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में थे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मार दिया गया। इस घटना के बाद उनका परिवार टूट गया था। मूसेवाला के पिता ने ऐलान किया था उनके बेटे के जो गाने रह गए वो आने वाले कई सालों तक उन्हें रिलीज करेंगे। हुआ भी ऐसा है, सिद्धू की मौत के बाद भी उनके गाने रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अब इस खबर से एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला चर्चा में हैं। हालांकि वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन कुछ यादें उनकी ऐसी हैं जो लोगों को चर्चा में डालती हैं। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी ऐसा ही है। उनके माता पिता ने खुद पुष्टि की है कि मार्च में नए बच्चे का जन्म होने वाला है। हालांकि ये भी अटकलें हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पिता चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना है कि आगे की स्थिति कैसी रहती है।